हेलो फ्रेंड्स, ललिता हिंदी टेलरिंग की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छोटे बेबी के लिए बेबी कैप बनाना सीखेंगे, छोटे बच्चों के लिए टोपी बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम आज बेबी कैप बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने एक फेब्रिक लिया हुआ है। ये फेब्रिक जो है कॉटन का फेब्रिक है। तो फ्रेंड्स, इस फेब्रिक को जो है हमें सबसे पहले इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है, एकदम बराबर इस तरीके से। फ्रेंड्स, डबल फोल्ड करने के बाद जो है हम अब इस कपड़े का मेजरमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो कपड़े की बन साइड है और ये जो है इस कपड़े की खुली साइड है। तो फ्रेंड्स, हमें जो है इस कपड़े की लंबाई और चौड़ाई को नापना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं इस कपड़े की जो है ये वाली साइड जो है लंबाई वाली साइड है, और ये वाली साइड जो है ये चौड़ाई वाली साइड है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमें इसकी लंबाई नापनी है। तो फ्रेंड्स, हमें इस कपड़े की लंबाई जो है 9 इंच रखनी है। आप देख सकते हैं मैंने 9 इंच लिया हुआ है इस कपड़े की लंबाई। और फ्रेंड्स, अब इस कपड़े की जो है हमें चौड़ाई नापनी है। यहाँ से जो है मैंने 5.5 इंच पे इस कपड़े की जो है चौड़ाई ली है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, इस कपड़े की चौड़ाई 5.5 इंच है और इस कपड़े की लंबाई जो है 9 इंच है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हमें इस कपड़े पे जो है मार्किंग करनी है। इस खुली वाली तरफ से हमें नीचे की तरफ से 1.5 इंच पे जो है इस तरीके से हमें निशान लगाना है 1.5 इंच पे। फ्रेंड्स, 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद जो है यहाँ पे ये लंबाई वाली साइड है, ये बंद वाली साइड है। यहाँ से हमें यहाँ पे इस वाले निशान से इस वाले निशान को जो है हमें मिलाना है। और मिलाना जो है फ्रेंड्स, हमें राउंड शेप में है, गोलाई देते हुए हमें इसे मिलाना है, ये वाले निशान को ये वाले निशान से। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलाते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं मैं जो है राउंड शेप दे रही हूँ इसे। अब हम इस कपड़े की जो है कटिंग करेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, बिल्कुल आराम से हमें कटिंग करनी है, बिल्कुल एकदम राउंड शेप देते हुए इस तरीके से। आप देख सकते हैं हमारा कपड़ा जो है इस तरह से कट चुका है। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ इस तरीके से। देख सकते हैं हमारा शेप बना है कुछ। अब फ्रेंड्स, हमें जो है इसी तरीके से इस कपड़े को रहने देना है। तो ये हमारा सेंटर है और ये हमारा सेंटर है। इन दोनों के सेंटर में जो है हमें कट लगा लेना है हमारे निशान के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हल्का सा हमें जो है कट लगा देना है इस तरीके से। आपको मैं खोल के दिखा देती हूँ, देखते हैं। इस तरफ और इस तरफ जो है मैंने कट लगा दिया है, हमारा निशान जो है बन चुका है। तो फ्रेंड्स, अब जो है हमें क्या करना है, ये वाली साइड जो हमारी राउंड वाली साइड है, यहाँ पे हमारा सेंटर में निशान लगा हुआ है, हमें इस तरफ वाली साइड से जो है इस तरह से छोटी छोटी प्लेटें डालते हुए यहाँ पे जो हमारा निशान है सेंटर जो है हमारा यहाँ पे, यहाँ तक हमें इस तरह से छोटी छोटी प्लेटें लानी है बनाते हुए इस तरीके से। फ्रेंड्स, हमें जो सिलाई करनी है यहाँ पे 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए ही करनी है इस तरीके से। इस तरीके से फ्रेंड्स, हमारा जो है यहाँ पे अब सेंटर आ चुका है। अब हमें जो है
हमने ये वाली सारी प्लेटें जो है इस तरफ से अपनी तरफ की है। अब इस सेंटर से जो है हमें जो प्लेटें बनानी होगी वो प्लेटें जो है हमें इस तरफ से बनानी होगी, यानी कि ये वाली प्लेट जो है इस तरफ से है और ये इस तरफ वाले फैब्रिक की जो प्लेटें हमारी बनेगी वो इस तरफ से बनेगी, इस तरीके से, इस तरीके से। फ्रेंड्स बेबी कैप बनाना जो है बहुत ही इजी है, हम इसे न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी बना सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए जो हमारे घर पे होते हैं। और फ्रेंड्स हमें हमेशा याद रखना है, अगर हम न्यूबॉर्न बेबी के लिए कैप बना रहे हैं तो हमेशा जो है बेबी के लिए हमें कॉटन का कपड़ा ही इस्तेमाल करना चाहिए। कॉटन का कपड़ा जो है बेबी के लिए बहुत ही सेफ होता है। अब जो है हम इसे कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा धागे को जो है इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा जो है कुछ इस तरह से लुक बन के तैयार हुआ है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स इसे स्टिच करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें जो है एक इस तरह से फैब्रिक लेना है और इसे जो है एक पट्टी हमें काट लेनी है फैब्रिक की। फ्रेंड्स इसकी लंबाई जो है हमें अपने कैप के चेहरे के अकॉर्डिंग, इस कैप के अकॉर्डिंग हमें लेनी है। फ्रेंड्स अगर हम लंबाई इसकी थोड़ी ज़्यादा भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिच करने के बाद जो भी फैब्रिक बचेगा हम उसे कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हुई लंबाई की बात, अब हमें जो है इस पट्टी की जो है चौड़ाई देखनी है। तो फ्रेंड्स इस फैब्रिक की जो चौड़ाई मैंने ली है वो मैंने आप देख सकते हैं 2 इंच ली है, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इस पट्टी की जो चौड़ाई है ये 2 इंच है और इसकी लंबाई जो है आप अपने कैप के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम ना पड़े ज़्यादा हो जाएगा तो हम स्टिच करने के बाद इसकी लंबाई को कट कर सकते हैं, पर इसकी चौड़ाई जो है हमें 2 इंच ही रखनी है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हमें स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए हम कैप को इस तरह से पकड़ेंगे, पहले कैप की उल्टी वाली साइड नीचे की तरफ है और ये कैप की ऊपर की तरफ जो है सीधी वाली साइड है। तो फ्रेंड्स इस फैब्रिक को जो है हमें इस तरह से लेना है, इस तरीके से बराबर एकदम करते हुए, इस तरीके से। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो सिलाई हमने यहाँ पे लगाई है उसी के एकदम बगल से हमें सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स मैंने जो है इस फैब्रिक का कलर जो है अलग लिया है, जो पट्टी मैंने ली है आप अगर चाहे तो सेम कलर का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से जो है हमें सबसे पहले एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेना है, इस तरीके से। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरी पट्टी जो है फैब्रिक की इतनी लंबी है तो हम इसके बराबर एकदम इसे कट कर देंगे, इस तरीके से। अब फ्रेंड्स सिलाई करने के बाद जो है हम इस फैब्रिक को एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से, इस तरह से एक बार फोल्ड करने के बाद जो है हमें एक बार और फोल्ड करना है, इस तरीके से। और फ्रेंड्स दो बार फोल्ड करने के बाद अब हमें इस किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स मैंने जो है एक फैब्रिक अलग कलर का लिया है, अगर आपके पास अलग कलर का फैब्रिक नहीं है तो आप सेम कलर के कैप के कलर का ही फैब्रिक आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, पर अगर आप अलग कलर का फैब्रिक लगाओगे तो उसका लुक कुछ और अच्छा दिखाई देता है। फ्रेंड्स इस तरह से हमें एकदम अच्छी तरीके से बराबर सेट करते हुए
एक बार पहले इस तरह से फोल्ड करना है और फिर इसके बाद इस तरह से पूरा सेट कर देना है। और फ्रेंड्स अब हमें स्टिच करते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स क्या करना है हमें, अब फ्रेंड्स क्या करना है हमें, स्टिच करने से पहले जो है फ्रेंड्स, हमने जो यहाँ पे निशान लगाया था, जो हमने यहाँ पे कट लगाया था बीचों बीच पे फ्रेंड्स, इस वाले कट को मैंने इसलिए लगवाया था क्योंकि हमें यहाँ पर जो है इस तरह से चुन्नट बनाना है, एक इस तरफ से और एक जो है प्लेट इस तरफ से प्लेट बनानी है। एक प्लेट जो हमें इस तरफ से लगाना है इस तरह से, और इस तरफ का प्लेट जो है फ्रेंड्स हमें इस तरह से लगाना है एक। तो फ्रेंड्स अब हमारी जो यहाँ पे प्लेटें लग चुकी हैं और हमने बैक साइड पे भी प्लेट लगा ली है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अब जो है हमें जिस तरह से ये पट्टी हमने यहाँ पे लगाई है फैब्रिक की, उसी तरीके से यहाँ पे भी फिनिशिंग देने के लिए हमें इसी तरीके से पट्टी लेनी है, लगानी है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये वाली पट्टी जो है हमने 2 इंच ली थी, पर यहाँ पर लगाने के लिए ये पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच है और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो फ्रेंड्स अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो है हमें 8 इंच पे एक निशान लगाना है इस पट्टी को इस तरीके से। यहाँ पे जो है मैंने फ्रेंड्स 8 इंच पे एक निशान लगा लिया है, देख सकते हो आप। इस यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाने के बाद अब इसी निशान पे जो है हमें यहाँ से फैब्रिक को रखना है इस तरीके से, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। ये जो 8 इंच का निशान मैंने लगाया है यहाँ पे, और ये इतना कपड़ा जो मैंने छोड़ा है यहाँ पे, ये हमारी डोरी है बांधने के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे स्टिच करेंगे 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए। इस तरीके से हमें धागे को कट कर लेना है। अब फ्रेंड्स 8 इंच की यहाँ पे जो हमने पट्टी छोड़ी है, और इस तरफ भी हमें जो है 8 इंच की पट्टी छोड़नी है, तो हम इसे मेजरमेंट करेंगे। इस तरीके से निशान लगाना है यहाँ पे, और इस तरह से निशान लगाने के बाद जो है फ्रेंड्स हमें 8 इंच पे जो इस तरह से इस फैब्रिक को, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें इस तरीके से कट कर देना है। तो फ्रेंड्स ये हमारी जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक थी, यहाँ पे हमने ये वाली फैब्रिक 8 इंच लिया है और ये वाली फैब्रिक भी जो है हमने 8 इंच लिया है। तो फ्रेंड्स अब हमें जो है इस तरह से कैप को लेना है, इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस तरह से करके हमें इस तरह से करके यहाँ पे जो है किनारे पे सिलाई लगानी है। चलिए फ्रेंड्स हम स्टिच करते हैं इस तरीके से। इस तरह से स्टिच सिलाई करते हुए हमें लाना है इसी तरीके से फोल्ड करते हुए फैब्रिक को। इस तरफ भी हमें सेट करना है। एकदम बराबर फ्रेंड्स हमें ध्यान रहे कि ये वाली जो पट्टी हमने ली है और ये वाली पट्टी की साइज जो है एक समान हो।
फ्रेंड्स हमारा जो है कहीं भी जो एक्स्ट्रा धागा है उसे कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारी कैप जो है बनके पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, दिखने में कितना शानदार दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स मैं पूरी कोशिश करती हूँ बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान तरीके से वीडियो बनाने की। आई होप आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स मिलती हूँ फिर से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।